बासंती नवरात्र की आज अष्टमी तिथि है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को महाअष्टमी की हृदय से बधाई देता हूं। नवरात्रि के पावन पर्व पर पूरे प्रदेश में जगत जननी माँ भगवती दुर्गा की पूजा और अनुष्ठान के कार्यक्रम पूरी श्रद्धा विश्वास और उत्साह और उमंग के माहौल में श्रद्धालुजनों ने हर जगह आयोजित किए हैं और ये निरंतर कल तक चलेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए पूरी पुख्ता व्यवस्था की है। कल रामनवमी की भी पावन तिथि है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन जन्मोत्सव का पावन तिथि अयोध्या धाम में विशेष समारोह होंगे। जगह जगह नवमी की स्थिति पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन जन्मोत्सव के कार्यक्रम आयोजित होंगे। शासन ने स्थानीय स्तर पर प्रशासन को श्रद्धालुजनों की सुविधा और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था के पहले से निर्देश दिए हैं और उस पर प्रशासन पूरी तत्परता के साथ पूज्य संतों के मार्गदर्शन में श्रद्धालुजनों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपनी सुविधा उपलब्ध करवा रही है। महाअष्टमी की स्थिति में आज पूरे प्रदेश में विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकारी की सीटों पर चुनाव भी आयोजित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान ही इसकी तिथि भी घोषित कर दी थी और आज जो 36 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी इनमें से 9 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध चुने गए हैं। 27 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। गोरखपुर महाराजगंज सीट पर भी आज चुनाव यहां पर आयोजित हो रहा है, तो एक मतदाता के नाते मैं भी अपना मतदान यहां पर करने के लिए यहां पर विशेष रूप से आया हूं।